Hey beauty pies and welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? और मेरा ये लुक देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि आज के वीडियो में कुछ अच्छा होने वाला है. सो गाइज, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक इंस्टेंट स्किन ग्लोइंग पैक. सो इसके लिए फर्स्ट स्टेप इज दिस. एज यूजुअल हमको एक हेयर बैंड लगा लेना है. मीन्स ये मेरा हेयर बैंड है. अभी हम अपने हेयर्स को टाई कर लेंगे. मीन्स टाई तो नहीं बट कवर कर लेंगे, जिससे हम अपना मास्क या जो भी करेंगे ना उसके बीच में ये नहीं आएगा. एंड अभी हम अपने जो पोनी है इसका जूड़ा बना लेंगे. ऐसे ही इसे ट्विस्ट करके इसको रोल कर लेंगे. अभी के लिए तो बस ऐसे ही, क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम हो गया फेशियल फेस पैक कुछ भी नहीं हुआ है. एंड मीन्स लाइक फेस का ग्लो ही गायब हो गया. तो इसके लिए अभी हम लोग ले रहे हैं हल्दी चंदन वाला हमारा, नहीं सैंडल ब्यूटी फेस पैक. सॉरी फॉर कन्फ्यूजन. मीन्स हमारी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, ऐसा ही कुछ भी ले लीजिए. मतलब कुछ भी नहीं, मीन्स मुल्तानी मिट्टी या बेसन ले सकते हैं. और यहाँ मैंने ये ले लिया है हमारा अयूर का है, ये अयूर हर्बल का. सो इसके अंदर एक पैकेट आया है. इस पैकेट को फाड़ने के लिए मेरे पास सीजर्स नहीं है, मैं लेके आती हूँ. सो गाइस ये मैंने सीजर्स से कट कर लिया है, इसको अभी मैं ओपन करती हूँ. से ओपन हुआ. इसमें से हम सारा नहीं लेंगे. ये मेरा छोटू सा बाउल है, इसके अंदर हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा हमारा मुल्तानी मिट्टी का पाउडर. ज़्यादा नहीं लेंगे, हवा की वजह से थोड़ा उड़ भी रहा है. इसको मैंने अभी बचा हुआ हम साइड में रख देंगे. एंड अभी हम ले लेंगे पानी, मतलब पानी नहीं गुलाब पानी, मीन्स रोज़ वाटर. सो ये मैंने मतलब नेचुरल रोज़ वाटर है, नेचुरल नहीं मीन्स लाइक मैंने लिया था, मीन्स जो भी समझ लो रोज़ वाटर लेना है. एंड देन है इसमें मैंने वाटर डाला है, रोज़ वाटर डाल दिया. और है ये हमारा कॉफ़ी पाउडर लिया है मैंने. यहाँ पे मेरे पास कॉफ़ी पाउडर है, आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं कॉफ़ी पाउडर वाला फेस पैक बनाने वाली हूँ. तो कॉफ़ी पाउडर को स्किप थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी आपके फेस को ज़्यादा ही ग्लो करवा देती है. तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कॉफ़ी को भी डाल देंगे. एंड देन इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें क्या करना है, इनको मिक्स करना है ताकि ये एक फेस पैक में कन्वर्ट हो पाए. मीन्स विदाउट मिक्सिंग ऐसा ऐसा हम इसको लगा नहीं पाएंगे ना. इसको मैंने स्टार्ट किया मिक्सिंग करना. सो अभी तो बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में बन रहा है, और इतना लिक्विडी तो लगेगा ही नहीं कैसे भी. सो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी इसके इंक्रीज़ करते जाएंगे. अगर आप वाटर में डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ज़्यादा वाटर मत लीजिएगा. मैंने थोड़ी सी मिस्टेक है मेरी, आई नो, माई बैड माई मिस्टेक. वो फैल गया पूरा, फिर फैल गया, फिर क्या फैलेगा. थोड़ा सा और डाल के फिर से मिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ बलून विस्क. सो गाइस ये हम एकदम नेचुरल पैक बनाने वाले हैं. अभी ये और अभी मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही लिक्विडी फॉर्म में बना दिया. अभी हम लोग इसको थोड़ा सा सॉलिडी करके फिर से मिलते हैं दो मिनट बाद. सो गाइज आई एम बैक. सो क्योंकि मेरा रीज़न ये था, वो लिक्विड इसलिए हो रहा था इतना डालने के बाद भी, क्योंकि वो नीचे बैठ गया था और मैंने ये चेक सही से नहीं कर पाया था. सो अभी वो मैंने इसको फिर से मिक्स कर दिया है, और ये हमारा अच्छा सा एकदम पकौड़े वाला बैटर बन चुका है. पकौड़े वाला बैटर नहीं, बट अभी हम लोग इसको फिंगर की यूज़ से हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. तो गाइज ये एकदम फाउंडेशन जैसा लुक दे रहा है, बट ये फाउंडेशन नहीं है. इससे बढ़िया आप इसको फिंगर से मिक्स कर लीजिए, वे मोर बेटर हो जाएगा. एंड देन इसको मैंने अप्लाई करना है फिंगर्स की हेल्प से. तो गाइज एकदम स्किन टोन से मैचिंग हो रहा है, तो एकदम बिल्कुल एक से दिखाई नहीं दे रहा. सो मैं अभी आपसे दो मिनट बाद मिलती हूँ. सो गाइस अभी तक मैंने सिर्फ चीक पे थोड़ा थोड़ा लगा पाया है, अभी हम एकदम एंड तक लगा लेंगे, क्योंकि इससे फेस पे एकदम मस्त वाला ग्लो आएगा.
और मस्त वाले ग्लो के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी जाएगी गाइस। तो ये मैंने आईब्रो को थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर से ही मीन्स आईब्रो के ऊपर मीन्स आईब्रो के ऊपर से लेयर नहीं चढ़ानी है यार, लिप्स को छोड़ देना है, लिप्स को बख्श देंगे क्योंकि इससे लिप्स पे ग्लो आ सकता है, बट मैं नहीं लगाऊंगी। एकदम ऐसा लग रहा है किसी ने 100 लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगा लिया अपने फेस पे, मींस लाइक मैंने ही लगा लिया हो, बट आई होप सो दैट आप लोग विश्वास करते हैं कि ये फाउंडेशन नहीं है, बट आई नो दैट मेरी ब्यूटी फैम ये मुझ पे बिलीव करती है। सो अभी हम अपनी अंडर आईज पे भी अच्छे से लेयरिंग करते जा रहे हैं, इतना आपका जितना भी है ना पर आराम से अपने फ्री टाइम में बैठ के फेस पैक लगाइए, आराम से इसको अपने फुल फेस पे लगाते जाइए, लेयरिंग कर सकते हैं आप मेरी तरह चाहे तो, फिर आप ज़्यादा लेयर्स चढ़ेंगे ना एकदम मस्त ग्लो आ जाएगा। फॉरहेड डन हो गया है, फिर भी हम लेयरिंग करते जा रहे हैं चीक पे, इस साइड वाले पे एक और लेयर चढ़ाएंगे इन द एज ऑफ आई, बट आईज के ज़्यादा क्लोज नहीं लगाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैवी लगाई दे रहा लगता हुआ लग रहा है, बट फेस पैक इज ऑलवेज गोना लुक लाइक अ फेस पैक। हम इसे फॉरहेड फेस फुल फेस लेयरिंग करने के बाद इसको 20 मिनट्स या 10 मिनट्स जब तक आपका सूख ना जाए तब तक अप्लाई करके रखिएगा, तब उसके बाद मिलते हैं। I'll be back. तो गाइस ये हो चुकी है अभी हालत, मीन्स पैक अप्लाई करते करते ही ये हो चुका है। सो अभी इसको हम हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा सही, हम इसको रिमूव कर देंगे। सो अभी ये लाइटली ड्राई हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं वॉश करके आती हूँ और मिलती हूँ 2 मिनट बाद। सो गाइस आ चुका है ग्लो, क्योंकि अब देखिए आप मेरी स्किन एकदम स्मूथ फील करा रही है एंड आपको मेरी स्किन एकदम ग्लोई भी लग रही होगी, एंड इस पर तो नो मेकअप लुक है गाइज़।